प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज प्रभु के वचन लेके आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रभु जीवित है, वो हमारे लिए बहुत अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। भजन संहिता 143 वचन 1 हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की और कान लगा। प्रभु से दाऊद ने बता रहा है, परमेश्वर हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ले। आज हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला एक परमेश्वर आज भी जीवित है। वो परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। दाऊद ने वो प्रभु के आगे में विश्वास के साथ वो उनके परेशानियों के समय में वो जा रहा है। प्रभु आप मेरा प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, आप मेरे प्रार्थनाओं को सुनकर मुझे आशीष करने वाला है, मेरे परेशानियों को दूर करने वाला प्रभु आप है करके विश्वास करते हुए वो जीवता परमेश्वर के पास चले जाता है। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे पास बहुत आर्थिक परेशानियां आ जाता है, हमारे पास बहुत कष्ट और संकट आ जाता है, तब हम मनुष्यों के पीछे भागने वाला नहीं, जीवित परमेश्वर के पीछे हम उनके सामने आना जरूरी है। वो आपका प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, वो आपको उत्तर देने वाला प्रभु है। वो यहोवा आज भी हमारा प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे प्रियो, आप आज परेशानी में रहता होगा या ये दुनिया में क्यों मुझे आशीष नहीं मिल रहा है करके आप सोचते हुए रहता होगा। आज इसी वक्त में प्रभु ने हमसे बात कर रहा है कि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। विश्वास के साथ प्रभु के आगे में हम आए, प्रभु आपके प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आपके परेशानियों को दूर करेंगे, आपके बीमारियों को दूर करेंगे, आपको आशीष करते हुए हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला प्रभु वो है। यहाँ दाऊद के चारों तरफ शत्रुओं उनको उनके प्राण को हत्या करने के लिए कोशिश कर रहा था, बहुत परेशानियां वो दाऊद ने उनके जीवन में आया है। दाऊद के जीवन में अनेक परिस्थितियों में परेशानियों में वो आगे बढ़ा था, तभी भी वो बोल रहा है प्रभु मेरे प्रार्थनाओं को सुन ले, प्रभु ही मेरे प्रार्थनाओं को सुनने वाला है करके वो दाऊद विश्वास करते हुए प्रभु के आगे में आ रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु जो सच्चा और धर्मी है, हमारा प्रभु वो जीवता परमेश्वर, वो सच्चा है और धर्मी भी है। वो धर्मी परमेश्वर हमें अच्छे रास्ते में लेके जाने के लिए वो सर्वशक्तिमान है, वो सच्चाई पर हमें आगे बढ़ाएंगे। हमारे परिस्थितियों में, हमारे परेशानियों में, हमारे सभी प्रॉब्लम्स के बीच में प्रभु आपको सच्चा परमेश्वर है, वो धर्मी है, वो हमारा प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारे गिड़गिड़ाने की ओर वो कान लगाएंगे, हमारे परेशानियों को सुनने के लिए उसके कान अभी भी खुला है, वो हमको सुनने वाला प्रभु है। बहुत लोग बोलेंगे हम आज तक प्रार्थना किया, हमको क्या मिला है, हमको क्या लाभ मिला है, हम कैसे जीवन आगे बढ़ाएंगे करके और बहुत लोग सोचते हुए बैठा होगा। तुम्हारा ये परिस्थिति में
आप विश्वास रखिए, आप विश्वास में मजबूत हो जाइए, प्रभु आपको संभालने वाला है, प्रभु आपको संभालने वाला है, प्रभु धर्मी है, प्रभु सच्चा है, सच्चा परमेश्वर आपको आपकी गिड़गिड़ाने के समय आपके आपके लिए कान को लगाकर आपको सुनने वाला है। मेरे भाई और बहनों, आज भी वो चीखता प्रभु है, आज भी तुम्हारे तमाम परेशानियों को दूर करने वाला है। पांचवा वचन हम लोग पढ़ने से मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। दाऊद ने प्राचीन काल के उनके दिनों के बारे में स्मरण करता है, प्रभु कैसे हमें संभाला, प्रभु कैसे हमें आगे बढ़ाया, प्रभु कैसे हमें आशीष दिया करके वो सोचता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आजकल बहुत लोग भूल जाता है, प्रभु ने दिया हुआ आशीषों को वो भूल जाता है। प्रभु ने चंगाई दिया तो चंगाई के लिए बहुत दौड़ दौड़ कर चर्च आया होगा, दौड़ दौड़ कर पास्टर लोगों के पीछे गया होगा, पर आज चंगाई मिलने के बाद आप सबको भूल जाता है। आज यहाँ पे दाऊद ने प्रभु को भूला नहीं है, प्राचीन काल में प्रभु ने कैसे उन्हें संभाला है, पुराने समय में कैसे उनको आगे बढ़ाया है, प्रभु ने कैसे उनको परेशानियों के बीच से निकाल कर लेके आया करके प्राचीन काल को वो याद करता है, उसको स्मरण करता है। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं, दाऊद ने बता रहा है, मैं तूने हमारे लिए दिया तमाम अद्भुत कार्यों को मैं ध्यान लगाता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु निश्चय ही अद्भुत कार्य करने वाला है, उसके अद्भुत कार्य हम प्राप्त करने के बाद हम उन्हें भूलना नहीं चाहिए, हम उन्हें भूलना नहीं चाहिए। प्रभु आपको अद्भुत करके आगे बढ़ाए, आपके परेशानियों को बीच से छुड़ा कर लाया, आपके बीमारियों को दूर किया है, तो उसके अद्भुत कार्यों को, सब अद्भुत कार्यों को हम ध्यान करते हुए आगे बढ़ना है। और यहां पे और तेरे काम को सोचता, तूने मुझे दिया हुआ तमाम आशीषों को हम ध्यान करता हूं, मनन करता हूं, स्मरण करता हूं। आज आपको आपके तमाम कामों को हम सोचते हुए आज भी रहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन ये दुनिया में रहेंगे क्या, ये कष्ट में कैसे हम जीवन बिताएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम बच्चों को संभालने की करके आप परेशानियों के बीच में रहता होगा। आज उसे छुड़ाने वाला, प्रार्थनाओं को सुनने वाला, तुम्हारे गिड़गिड़ाने के दिन आपके वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला एक प्रभु आज भी जीवित है, वो कान लगाकर आपके गिड़गिड़ाने को सुनने वाला आज भी हमारे प्रभु। दिया हुआ तमाम आशीषों को आप याद करें, वो दिया हुआ सब अद्भुत कार्यों को हम ध्यान करें, और प्रभु के दिया हुआ तमाम, प्रभु हमारे जीवन पर दिया हुआ तमाम कामों के हम सोचते हुए उसको धन्यवाद करें। प्रभु हमें आशीष करेंगे, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन दादा, हमारे परमेश्वर प्रभु जी, आज आपके वचनों को सुनने में, आपके वचनों को मनन करने में आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करता है। प्रभु जी आप जीवित हैं, अद्भुत कार्य करने वाला है,
हमारे जीवन भर प्रभु जी अद्भुत कार्य करिए। आज भी प्रभु जी आप जीवित होते हुए हमारे बीच में है, हम विश्वास करता हूं। आज जो कोई बीमारियों में है उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, बीमारियों को चंगाई करी है, आज चंगाई की ओर आप लेके जा रहा है। धन्यवाद, एक एक करके तमाम लोगों को आशीष करके आगे बढ़ाइए। आज प्रभु जी आप जीवित होते हुए हमको आगे बढ़ाने वाला है। आज सभी कामों को हम याद करता है, आपने हमारे जीवन पर दिया हुआ तमाम आशीषों को याद करते हुए हम आपके चरणों में बैठ रहा हूं। प्रभु जी आप जीवित हैं, आप महान हैं, आप अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है, आप जीवित हैं, हमारे बीच में आप उपस्थित हैं। हम विश्वास करता हूं जो कोई अभिषेक के लिए प्रार्थना करता है आज अभिषेक से भर दीजिए, आपके अभिषेक से भर दीजिए, आपके अखनी से अभिषेक से आगे बढ़ा रहा है। इसलिए धन्यवाद प्रभु जी, आपने जीवित होते हुए ओ प्रभु जी हमको भी जीवित करते हुए आगे बढ़ाने वाला प्रभु है। आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु जी, आप हमारे बीच में उतर के आकर तमाम परेशानियों को दूर कर रहा है। इसलिए धन्यवाद, जो कोई व्यक्ति आज परेशानियों में है, मन दुख में है, आज उनके जीवन पर रहने वाला तमाम परेशानियों को आप दूर कर रहा है। इसलिए धन्यवाद, तमाम परेशानी यीशु के नाम से दूर हो रहा है। आपके शरीर में प्रभु के शक्ति उतर रहा है, आपके ऊपर प्रभु के महिमा अभी उतर रहा है, प्रभु ने आशीष करके आगे बढ़ा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करेगा, आमीन।